इस वीडियो में मैं सर्वे करने वाला हूँ 200 डेज इन वन ब्लॉक हार्डकोर माइनक्राफ्ट। जैसे आप लोगों को पता है वन ब्लॉक बहुत छोटी होती है, मुझे बड़ा करना होता है जगह को, और इस जगह को बड़ा करते समय अगर कुछ इधर उधर हो गया ना, मैं सीधा बाय बाय, इस दुनिया को बाय बाय कहना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं, देखेंगे कि मैं 200 डेज सर्वे कर पाता हूँ नहीं। चलो तो है दोस्तों, कैसे आप लोग, मैं फिर से आ चुका हूँ एक नया 200 डेज वन ब्लॉक वीडियो के साथ। क्योंकि पिछले वाला वन ब्लॉक के वीडियो में तो आप लोग तबाही मचा है यार, 3 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गए उस पे, और मेरा 100 के सब्स भी नहीं हुए उस समय, और अब तो 100 के बहुत क्लोज आ चुका है यार। प्लीज सब्सक्राइब कर दो अभी, प्लीज कर दो यार। ठीक है, अभी वैसे भी अभी रात हो गया, आप लोग देख सकते हो ना, इसलिए सुबह से शुरू करते हैं। चलो सोते हैं, अभी डे 101 शुरू होते ही मैं सीधा निकल लिया एंड पोर्टल की तरफ, क्योंकि पिछले वाला वीडियो में मुझे एलेट्रा को लेके आना चाहिए था, लेकिन मैं उस समय भूल गया, लेकिन अब तो मुझे एलेट्रा चाहिए, मतलब चाहिए, इसलिए मैं सीधा चला गया एंड पोर्टल की तरफ, और एंड पोर्टल में खुद लिया, और उसके बाद एंटीसिटी जाने के लिए एक पोर्टल होता है ना, उसके पास चला गया, और उसके अंदर भी चला गया, और उसके अंदर जाते ही मेरा सामने एंटीसिटी नहीं है। क्यों मिलेगा यार हमको, इतना अच्छा किस्मत थोड़ी है मेरा। तो क्या निकला मैं ढूंढने एंटीसिटी को, मैं बहुत समय से एंटीसिटी को ढूंढ रहा था, लेकिन वो तो इतना जल्दी मिलता नहीं है हमको। और ये ढूंढते ढूंढते मैं देखो कैसे स्टंट मार रहा हूं, मैं यहाँ पर ऐसे अंडरपोल को फेंका था, लेकिन मैं क्यों नीचे कूदा भाई, भाई मुझे लगा उस समय मैं मर गया, लेकिन उसी समय अंडरपोल लैंड हो गया और मैं बच गया भाई। अरे उस समय मेरा एक सेकंड के लिए फट गया यार, लेकिन बच गया भाई। उसके बाद बहुत समय से मैं ऐसे ही एंटीसिटी को ढूंढने में लगा हुआ है, और मुझे एक समय पे मिल गया भाई, एंटीसिटी मिल गया। एक मिनट क्या हो गया मुझे, और आप लोगों को वैसे भी पता है मेरा किस्मत के बारे में, वो क्या है कि वहाँ पर सिर्फ एंटीसिटी है, लेकिन वो एलेट्रा वाला शिप नहीं है। क्या करूं यार, क्या करूं इसका, इसको डिलीट भी नहीं कर सकता हूं, क्या करूं। इसलिए मैंने क्या किया कि उस एंडेसिटी के अंदर जाके जितने भी वहां पर लूट होते ना, वो सब कुछ लूट लिया, और ज्यादा कुछ लूट भी नहीं मिला मुझे, बस 2 डायमंड पिकैक्स मिला बस। और उसके बाद मैं एक और एंडेसिटी को ढूंढने निकला, और कुछ समय के बाद मुझे एक और एंडेसिटी भी मिला, लेकिन भाई इसके पास भी वो एलेट्रा वाला शिप नहीं है। एक मिनट, है भाई, थोड़ा रेंडर होने में टाइम लगा, लेकिन है, ये देखो पीछे देखो ओ भाई। उसके बाद मैं और क्या करता हूँ, मैं सीधा एक एंडरपल फेंका ऊपर, और ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद मैं शिप के पास गया, और एक और एंडरपल फेंका, और उधर से शिप के अंदर चला गया, और शिप के अंदर जाने के बाद पहले इसको ये बुरबुराक को मार दिया, ऐसे आवाज करते हैं ना बुरबुराक करके। उसके बाद मैं एलेट्रा को ले लिया भाई। उसके बाद मैं बाहर आ गया, बाहर आके मैं एक और एंडरपल फेंक के ऊपर चला गया, क्योंकि वहां पर बहुत सारा लूट होता है, और वहां पर जाके जितना भी वहां पर लूट सब कुछ लूट लिया। उसके बाद मैं एंड में आ गया, और पिछले वाला वीडियो में मैं इस अंडा को लेना भूल गया, इसलिए मैं अंडा ले लिया और ये सीधा मेरा घर में ही चला गया। और उसके बाद मैं एक एंडरमैन का आंखों में देख के, मतलब उसको परेशान करके, मैं मेरा घर आ गया। घर आने के बाद मैं मेरा एलेट्रा को एन्चेंट करने के लिए सोचा, इसलिए मैं विलेजर्स के पास गया, और उन लोगों को चेस्ट में, मुझे पता है क्योंकि पिछले वाला वीडियो में मैं ही रखा था, यहाँ पर एक मेंडिंग और अनब्रेकिंग ट्री का बुक है, और ये दो लेके मेरा एलेट्रा पे डाल के मेरा एलेट्रा का नाम शक्तिमान रख दिया मैं। भाई कितना मस्त नाम है ये। एलेट्रा को एंचेंट करने के बाद मुझे कुछ पेपर्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि शाही है ना रॉकेट्स बनाने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा शुगर केन लिया और बहुत सारे रॉकेट्स बनाया गन पाउडर को मिला के, और अभी उड़ना चालू कर दिया भाई मैं। उसके बाद मैं वन ब्लॉक के पास आ गया, और वन ब्लॉक के पास आके मैं वन ब्लॉक तोड़ने में लग गया, और वन ब्लॉक तोड़ते समय मेरा क्या हाल हुआ आप लोग ही देखो। मैं वन ब्लॉक माइन कर रहा था, और उस समय एक घास स्पॉन हुआ, एक नहीं बल्कि 2 घास स्पॉन हुआ, और 2 स्पॉनों के मेरे ऊपर थूकने लगा यार फायरबॉल, वो 2 घास मिलके मेरे ऊपर फायरबॉल मार रहे, इसलिए मैं फटाफट विलेजर के घर भाग गया। ये एक मिनट, ये क्या कर रहे यार इधर, इसको मारो पहले। अरे एक चीज तो भूल ही गया, मेरा सारा वन ब्लॉक की दुनिया पूरा लकड़ी से ही बना हुआ है ना, सब कुछ जल जाएगा यार। मैं फटाफट बाहर जाके आग को बुझाने के लिए कोशिश किया, लेकिन यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बुझाने के लिए कोशिश, और गास्ट मुझे देख के और फायरबॉल्स मार रहा है, इस झाड़ियों के पीछे छुप गया। मैं चुपचाप झाड़ियों के पीछे था, लेकिन वहां पर भी नहीं छोड़ा ये लोग, ये गास्ट लोगों ने 2 फायरबॉल मारा मेरे ऊपर, एक तो मिस हो गया, लेकिन एक भाई मैं ऑलमोस्ट नीचे जाने वाला था, नीचे मतलब मर जाने वाला था भाई, ये देखो मैं बिल्कुल किनारे पे था, थोड़ा इधर उधर हुआ ना मैं गया उस समय। उसके बाद मैं मेरा आर्य निकाल के एक गास्ट को वैसे ही मार दिया, और मुझे अचीवमेंट भी मिला, और उसके बाद एक और गास्ट है ना उसको भी मैं आरो मार के गिरा दिया भाई। और उसके बाद मैं फटाफट भागा देखने के लिए कि क्या हालत हो गया मेरा वन ब्लॉक का, और भाई आधा वन ब्लॉक जल चुका है यार, मतलब आधा नहीं लेकिन ज्यादा ज्यादा जल चुका है यार, ये देखो। मैं फटाफट सब कुछ बुझाने के लिए कोशिश किया, लेकिन बहुत फैल गया यार, बहुत सारा जगह जल चुका है, लेकिन कुछ समय के बाद मैं बुझा दिया सब कुछ आखिरकार। और भाई अच्छा हुआ कि मेरे जानवर को कुछ नहीं हुआ, ये देखो मेरे कुत्ता को कुछ नहीं, और भाई मेरा पांडा को कुछ नहीं हुआ यार, मेरा पांडा लोगों को, ये देखो कितना क्यूट है। और डे 109 और 110 पूरा 2 दिन लगा दिया मैं पूरा वन ब्लॉक को रिपेयर करने में, मतलब जो भी जल चुके ना वो सब कुछ रिपेयर करने में लग गया। डे 111 मेरा एक दोस्त ज्वाइन हुआ, और वो आते ही मैंने मारना चालू कर दिया। हेलो बनेर भाई। हेलो। अरे अरे मैं हाथ से मारा, अरे हाथ से मारा तो मैं भाई, ये ना ये आते ही मेरा घर में मुझे ही नहीं घुसने दे रहा है। क्या कर रहे हो?
मस्ती सब कुछ होने के बाद मैं बरेर भाई को वन ब्लॉक तोड़ने के लिए बोला था और मैं वीट और शुगर केन तोड़ के विलेजर से दबा के ट्रेडिंग किया। ट्रेडिंग क्या होता है, एक मिनट, ट्रेडिंग किया। उसके बाद मैं नेदर वॉर्ड लेने के लिए आ रहा था, लेकिन मुझे क्या पता है कि वहाँ पर दो क्रीपर इंतजार कर रहा है मेरे लिए, और मैं आते ही वो दो क्रीपर फट गया और वहाँ पर सारा जगह खराब कर दिया। बरेर भाई थोड़ा इसको सही करो ना। उसके बाद पिछले वाले वीडियो में मैं कुत्ते के नाम रखने के लिए आपसे नाम पूछा था ना, बहुत सारे लोग रॉकी बोला, लेकिन मुझे रॉकी नहीं रखना है यार। लेकिन मैं क्या रखा देखो, कमाई। मतलब पता है ना आप लोगों को ये नाम किसका है। उसके बाद मैं बहुत सारे TNT बनाए क्योंकि नेदर में माइनिंग करने के लिए, क्योंकि बरियर में पूछ रहे कि मुझे भी नेदर आर्मर चाहिए, तो इसके लिए मैं बनाया और चला गया नेदर में। नेदर में जाने के बाद मैं सीधा चला गया माइनिंग जगह पर, जहाँ पर मैंने पिछले बार भी माइनिंग किया। अरे मर जाओगे, इतना भी नूब नहीं हूं। हम नीचे जाने के बाद बरियर भाई को एक एशियन डेब्रिस मिला यार, मतलब ऐसे ही फ्री में मिल गया, मतलब शायद मैं छोड़ दिया होगा पिछले बार। उसके बाद हम माइनिंग करना चालू कर दिया, मैं TNT लगाते गया और एक समय पे उसको जला दिया। ओ भाई मिला। हाँ, हमको एशियन डेब्रिस भी मिला, लेकिन ज्यादा नहीं मिला भाई। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, मेरे पास एक पोशन था और बरेर भाई ने मुझे एक और फायर रेजिस्टेंट का पोशन दिया, और मैं स्ट्रेंथ पोशन को फायर रेजिस्टेंट पोशन समझ के मैं सीधा लावा में कूदा। अरे भाई भाई भाई, मुझे क्या पता है कि अरे गलती हो गया यार, गलत पोशन पी लिया मैं। अरे मेरे स्ट्रेंथ पोशन पी लिया गलती से, मेरे पास एक स्ट्रेंथ पोशन था, हम लोग घर आ गया और कुछ इतना एशियन डेब्रिस मिला हमको। देखो मैं छोटा सा टावर बनाया एशियन डेब्रिस का, उसके बाद जितने भी एशियन डेब्रिस है वो सब कुछ नेदरइट इंगट में बना दिया और सारा टूल्स को मैं नेदरइट बना दिया, और जो बच गया वो चेस्ट में रख दिया, क्योंकि यार बरेर भाई को भी तो होना चाहिए ना, उसी के लिए तो माइनिंग किया। उसके बाद मैं मेरा एलेट्रा को वापस रख दिया, लेकिन देखो यार ये एलेट्रा नहीं है, ये शक्तिमान है भाई, ये देखो। उसके बाद मैं मेरा कुत्ता को खाना खिलाया, उसके बाद मेरा गाय को, मेरा शीप को, जितने भी जानवर है मेरे पास वो सबको खाना खिलाया। अगले दिन मैं मेरा घर आया और घर आके मेरा एलेट्रा को नहीं शक्तिमान को लिया, क्योंकि मुझे कहीं दूर जाना है, क्योंकि यार पहले तो पैदल जाना पड़ता है, लेकिन अभी एलेट्रा आ गया ना, और आप लोग सोच रहे होगा मैं कहां जा रहा हूं। देखो मैं बहुत दूर जाने वाला हूं, देखो देखो आ गया मैं। हाँ, मैं वन ब्लॉक के पास ही आना चाहता था। अरे आप लोगों को पता है ना, एक बार एलेट्रा आ गया तो बगल वाला घर भी बहुत दूर लगता है, इसलिए एलेट्रा में जाना होता है। और उसके बाद मैं वन ब्लॉक तोड़ने में लग गया, मैं 3 दिन लगातार वन ब्लॉक तोड़ने में लगा दिया। और उसके बाद मैं वन ब्लॉक तोड़ते समय एक कुत्ता आया और उसको भी मैं टेम कर लिया, और उसको मैं विमल नाम रख दिया, मतलब कमल विमल। अरे एक मिनट, ये तो रमेश सुरेश वाली बात हो गया है ना। उसके बाद मैं और कुछ दिन वन ब्लॉक तोड़ने में लगा दिया, देखो। और जब मैं वन ब्लॉक तोड़ रहा था उस समय एवोकर स्पॉन हुआ यार, वो भी एक नहीं दो। और जब एवोकर स्पॉन होते, जब वो हाई कहते हैं क्या, नहीं, वो छोटे मच्छर को स्पॉन करके मेरे ऊपर हमला कर दिया यार। भाई भाई भाई, कीले भी निकाल रहे यार नीचे से। लेकिन ज्यादा टेंशन नहीं लेकर मैं मेरा एरो निकाला और उसको 2 फटके में 2 लोगों को मार दिया। ज्यादा टाइम नहीं लगा इन लोगों को मारने में, और इन लोग मच्छर लोगों को मारने में मेरा आयरन गोलम भी मुझे मदद किया, ये देखो भाई कितना मदद कर रहा है यार आयरन गोलम, देखो। इसलिए मैंने क्या किया कि मेरा आयरन फार्म के पास जाके बहुत सारे आयरन गोलम को स्पॉन करने के लिए आयरन लिया और स्पॉन करना शुरू कर दिया। एक मिनट, क्या बना दिया मैं, एक मिनट, ऐसा नहीं होता है क्या, एक मिनट यार, ये वेदर तोड़ी है, भूल गया मैं, सॉरी। और मैं बहुत सारे आयरन गोलम्स को बनाना चालू कर दिया। गाइस रुको, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है बिनोमो, जहाँ आप महीने में 30,000 तक कमा सकते हो, मतलब दिन में 1500 रुपए। और बिनोमो दोनों iOS एंड एंड्रॉइड पे अवेलेबल है, जिससे पता चलता है कि ये ऐप एक लीगल ऐप है। बिनोमो में आप मल्टीपल एसेट जैसे गूगल, एप्पल, गोल्ड, यहाँ तक की मल्टीपल करेंसी जैसे USD, यूरोपियन में भी ट्रेड कर सकते हो, और 90% एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हो। और अगर आप ट्रेडिंग पर नए हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करो और आपको मिलेगा 65,000 का डेमो अकाउंट, उसमें आप ट्रेड प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसमें क्या करना होता है कि आपको ग्राफ का फोरकास्टिंग होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे लग रहा है कि अभी ग्राफ ऊपर जाएगा, इसलिए मैं 700 रुपए इन्वेस्ट किया, और ये देखो ऊपर जा रहे, और ये देखो मेरा फोरकास्ट सही हो गया, मैं 1288 रुपीज कमा लिया। बट अगर आपका फोरकास्ट गलत हुआ तो आपका लॉस भी हो सकता है। और अभी आप सोच रहे होगा आपको ये पैसा कैसे मिलेगा, और ये पैसे आप अपने पेटीएम में या बैंक अकाउंट में विदिन 24 आवर्स में विद्रॉ कर सकते हो, मिनिमम डिपोजिट 350 रुपए। और अगर आप मेरे प्रोमो कोड लगा के जाओगे तो आपको 350 के 700 मिलेगा और 1000 के 2000 रुपए मिलेगा। तो वेट किस बात की, जल्दी बिनोमो ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टार्ट करो ट्रेडिंग, शुरू करो अर्निंग। Day 1 बरेर भाई फिर से ज्वाइन हो गया सर्वर, और जितना भी नेदरराइट स्क्रैप है ना वो सब कुछ लेके उसका आर्मर नेदरराइट में बदल दिया, मतलब कन्वर्ट कर लिया। हेलो भाई, कुछ बनाना है यार। क्या बनाना है? फार्म्स को थोड़ा बड़ा करना है, अभी जो फार्म्स है ना उसी को बड़ा करना है बस। चलो, कहाँ पे क्या काम करना है, मेरे पास सामान आ गया। हाँ, इधर आ जाओ, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जल्दी आ जाओ मेरे पास। हाँ
और यहाँ पर मैं ब्लॉक लगाने के लिए नीचे गया था पानी डाल के, और ये देखो क्या कर रहा है यार। क्या करने के लिए आया था इधर? कुछ नहीं मुझे पता है। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। एक दो देखो ये कंप्लीट खत्म कर देता हूँ। मेरे गिनती खराब कर दिया यार। एक दो रुको मैं खत्म करके मैं भी आता हूँ वहाँ पर काम करने, ठीक है? अरे फिर गिनती खराब कर दिया। और उसके बाद बरेर भाई बोला मेरे से कि जानवर के लिए एक घर बनाएंगे, तो मैंने कहा बनाओ। और तब ये शुरू कर दिया जानवर के लिए घर बनाना। अरे सारे जानवर को अंदर रखने में और पूरा घर बनाने में हमको 3 दिन लगा, लेकिन हाँ फाइनली खत्म हो गया। एक मिनट, स्केलेटन क्या कर रहा है इधर? उसके बाद मैंने एक गाजर का फार्म और एक बटाटा का फार्म भी बनाया। वो दोनों बनाने के बाद हम निकले नदर में थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। अरे मुझे एलाइटर लेके आना चाहिए था यार। और मैं घोड़े पे? हाँ तुम घोड़े पे आओ यहाँ। अरे कहा भाई, सही से बोलना। ओ भाई चलो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। चलो 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 भाई एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद हम बैस्टियन की तरफ निकलना चालू कर दिया। बैस्टियन के अंदर जाने के बाद हमको पता लगा कि ये अच्छा वाला नहीं है। बैस्टियन के अंदर एंटर होते ही हमको 2 चेस्ट मिला नीचे। उतना नीचे मत जाओ। और वहाँ पर मुझे बहुत सारा गोल्डन कैरेट मिला। और हम थोड़ा नीचे गए एक्सप्लोर करने के लिए। और वहाँ पर हाँ चिल्लाओ मत, बंद कर दिया बंद कर दिया। अभी मारो 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 उसको। उसके बाद हमको 3 दिन लगा वो पूरा बैस्टियन लूटने में। पर लूटते समय मैंने बरेर भाई के साथ काफी मस्ती किया, देखो एक बार। क्या हुआ बरेर भाई? पार्टी हो रही है, यहाँ आ जाओ। यहाँ हो ना, यहाँ नीचे नीचे नीचे। अरे भाई इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं इधर? और कुछ समय के बाद क्या हुआ देखो, बरेर भाई के साथ हादसा हो गया यार, क्योंकि ये बंदा ना सीधा उन लोगों के बीच में कूद लिया। कूद गया, मर गया मर गया मर गया मर गया। बचाओ बचाओ। हाँ रुको रुको, बचा रहा हूँ बचा रहा हूँ। मैं जिंदा रहना, मरना मत, बचा रहा हूँ। मर गया ना? हाँ मार। एक हाथ चढ़ गया तुम भाई, पड़ती है तो क्या भाई भी ले लो मुझे। भाई मैं कैसे बचाऊँ मुझे पता है भाई। हाफ आर्ट था, हाफ आर्ट। अच्छा एक पटका मारा ना, मेरी पट गई। क्यों कूदा फिर? गलती से कूद गया। बहुत समय नेदर में मस्ती करने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद हम फाइनली आखिरकार आ गया ना ओवरवर्ल्ड में, मतलब वन ब्लॉक में। डे 147 में थोड़ा पेड़ उगा रहा था, क्योंकि मुझे बहुत सारे पेड़ की जरूरत पड़ने वाली है आगे जो मैं चीज बनाने वाला हूँ ना उसके लिए। और उसके बाद मैं और बरेर भाई ने पांडा लोगों के लिए एक अच्छे से घर बनाना चालू कर दिया, क्योंकि यार सारे जानवर के लिए बनाया लेकिन पांडा के लिए नहीं बनाया ना, इसलिए अभी पांडा लोगों के लिए घर बनाना चालू कर दिया। और अभी टाइम लैप्स। उसके बाद जब मैं इन्वेंटरी चेक कर रहा हूँ तब बरेर भाई ने एक चीज किया, वो क्या है कि मेरा स्केलेटन हॉर्स को मार दिया यार। वो मत मा... तुमने देख लिया क्या? मोरी मैया। और उसके बाद जितना भी पांडा है हमारे पास, वो सारे पांडे को लेके गया हम उस जगह पर और वहां पर बिठा दिया। और अगले दिन से हमारा प्लान है नेदर जाने का, इसलिए हम नेदर के लिए कुछ सामान और कुछ खाना लिया और नेदर में चला गया। और नेदर क्यों जा रहे हैं हम? नेदर इसलिए जा रहे हैं कि हमको वो खोपड़ी चाहिए ना विदर को समन करने के लिए, विदर स्केलेटन का, इसलिए जा रहे हैं हम वो इकट्ठा करने के लिए। पूरा 3 दिन लगा हमको फोर्ट्रेस ढूंढने में। और फाइनली ये जब मैं ये नेदर एक को तोड़ रहा हूं, तब मुझे एक ब्लेस का आवाज आया और मिल गया है यार फोर्ट्रेस। के बाद हम फोर्ट्रेस के अंदर चला गया। जब मैं एक ब्लेस को मार रहा हूं, 4-5 विदर स्केलेटन आ गया। भाई कहां से आया अभी पता नहीं, लेकिन देखो। और मैं शील्ड ऊपर करके बैठा हूं यार उस समय में। इधर देखो बहुत सारा है, एटलीस्ट एक तो मिलना चाहिए यार। मारो मारो, 4 है इधर, एटलीस्ट एक कोपड़ी तो मिलना चाहिए। ओ मिल गया, मिल गया। मुझे देना, मुझे भी अचीवमेंट चाहिए, अचीवमेंट चाहिए। ओ यार, उसके बाद हमको एक और कोपड़ी मिला। हाँ मिल गया। पर अगले दिन हमको एक और कोपड़ी मिला। पीछे आजा, पीछे आजा। हाँ मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। आजा 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 आजा। निकलो भाई, निकलो इधर से। उसके बाद मैं वेदर का स्कल होते ना वो पहन लिया और ये देखो क्या हुआ। मारो मारो विदर, विदर, विदर मारो। उसके बाद जब हम वापस घर आ रहे थे उस समय हमको कुछ गास्ट दिखा, और हमको वैसे भी गास्टीर चाहिए इसलिए हम गास्टीर भी इकट्ठा कर लिया उस समय। और 3 विदर स्कल्स और कुछ गास्टीर सब कुछ इकट्ठा करके हम वापस घर लौट गया। डे 162 से लेकर 165 तक बरेर भाई और मैंने पूरा हमारा सामान जो भी हमारे पास हो सब कुछ रिपेयर करने में लग गया।
और डे 166 बस में ऐसे ही हाथ से बरेर भाई को मारा था, लेकिन यार पता नहीं इसको क्या हो गया, मेरा पीछे ही पड़ गया यार हैक्स को लेकर। मैं बस हाथ से मारा था यार, एक बरेर भाई क्या हो रहा है? अरे तुम्हें खेल रहे ना, मैं बस हाथ से मारा था यार, मजाक कर रहा था, क्या कर रहे हो? बरेर भाई नीचे गिरा दूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ नीचे गिर जाओगे, चलो चलो हट यहाँ से निकल। और इतने में कुछ नहीं हूँ मैं हैरोस से भी मार रहा था उसको जब वो नीचे थे। जब पिछली बार नेदर गए थे वहाँ एक चीज भूल ही गया यार, हम एंडरपल्स को लाना भूल गया, इसलिए हम वो नीली वाली बायोम में आ गया और कुछ एंडरपल्स इकट्ठा कर लिया, क्योंकि एंडर ड्रैगन को वापस जिंदा करके मारना है ना। और यहाँ पर बहुत सारे एंडरपल्स इकट्ठा कर लिया। बहुत सारे एंडरपल्स इकट्ठा करने के बाद हम वापस घर लौट गया। लौटते मैं पहले एंडर क्रिस्टल्स बना दिया, एंड जाने से पहले हमारा जितना भी जानवर है सबको खाना खिलाने में लग गया। पता नहीं यार खाना खिलाने के मन किया इन लोगों को, इसलिए किनारे। डे 169 हम निकला एंड में। एक मिनट, यहाँ पर बिल्ली मुर्गी ये सब क्या कर रहे हैं यार? उसके बाद मैं चला गया चारों क्रिस्टल्स को लेकर और लगाना चालू कर दिया। एक दो तीन चार लगा दिया। और ये देखो यार एंडर ड्रैगन स्पॉन होना शुरू हो गया, देखो एक बार कितना मस्त लग रहा है। ओ भाई स्पॉन हो गया, स्पॉन हो गया। और एंडर ड्रैगन आते ही जितने भी क्रिस्टल्स है ना वो सब कुछ तोड़ने में लग गया मैं और बरेर भाई। सब क्रिस्टल्स तोड़ने के बाद और एक ही काम बचा है, वो क्या है, एंडर ड्रैगन को मारना। और क्या है, क्या चालू कर दिया हम एंडर ड्रैगन को मारने। हम तीर से एंडर ड्रैगन को मारता गया मारता गया मारता गया, लेकिन क्योंकि ये नीचे आने के नाम ही नहीं ले रहा यार। लेकिन कुछ समय के बाद ये नीचे आना शुरू कर दिया। जब ये पूरी तरह से नीचे आ गया तब तलवार लेके रख रख के इसको बजाना शुरू कर दिया। लेकिन यार ये जल्दी उड़ गया यार, और ये उड़ते ही मैं इसको दो तीन एरो भी मारा तो और थोड़ा हेल्थ कम किया इसकी। तुम लो है फिर खाना खाओ ना, मैं एक भी बिस्किट नहीं गया अभी तक, सॉरी बिस्किट क्या बोल रहा हूँ, ब्रेड। तो जब नीचे आ रहे ना हम रुका भी नहीं है यार, इसके इंतजार भी नहीं किया, हम एरोज मारते गए मारते गए मारते गए और 25% तक लेके आ गया इसका हेल्थ। और जब भाई पूरी तरीके से नीचे आ गया मैं एक गलती कर दिया यार, इसका आंखों के सामने से गया मैं यार, इसके सिर के नीचे से गया मैं, वो बहुत बड़ी गलती होती है ऐसा नहीं करने का। इसके नीचे जाने के बाद दो तीन फटका मारा और ये मर गया, और वहां पर जितने भी एक्सपी गिरा है वो सब कुछ ले लिया। और बरेर भाई ने उसी समय विदर के लिए वो नीचे का जगह होते ना वो बनाना चालू कर दिया। विदर अभी बना रहे क्या? हाँ रूम बना देता। ठीक है बनाओ बनाओ, देखो 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 टेंट डाला यहाँ पे, विदर हेड और वो जैसे ऊपर जाएगा फंस जाएगा। उसके बाद हम घर आ गया, और घर आके बीकन बनाने के लिए हम एक जगह बना रहे, और जगह बनाते समय क्या हुआ देखो, बरेर भाई ने मुझे मारने के लिए फिर से कोशिश किया यार। कुत्ता भाई अभी मर जाता मैं। कितने बार मारने के लिए कोशिश करते हो यार जानबूझ के, सच में मुझे मारना चाहते हो क्या तुम? उसके बाद वैसे भी हमारे पास बहुत सारा आयरन है इसलिए हम बीकन बनाना चालू कर दिया। लेकिन हाँ बीकन तो है नहीं, लेकिन वो 9x9 का वो होता है ना वो बनाना चालू कर दिया। डे 178 बरेर भाई ने चालू कर दिया अपना घर बनाना बिल्कुल मेरा घर के बगल में, और मुझसे पूछा है कि वो कुछ एंड स्टोन लाने का, मतलब एंड स्टोन नहीं वो होते ना पिंक कलर वाला स्टोन एंड सिटी में, हाँ वो लेके आने के लिए, इसलिए मैं निकला एंड सिटी की तलाश में। और ये मैं देखो एंड सिटी आ गया और बहुत सारा स्टोन इकट्ठा कर लिया बरेर भाई के लिए। और जब मैं वापस आया ये आधा घर बना चुका है यार ये देखो। उसके बाद मैंने भी थोड़ा मदद किया बरेर भाई को इसके घर बनाने में, और उसके बाद बरेर भाई को कुछ काम आया था इसलिए वो एफके हो गया यहाँ पर। और तब मैंने क्या किया आप लोग ही देखो। The next morning. राइफल। हाँ भाई बताओ क्या क्या तूने? मैंने क्या किया भाई? कुछ नहीं किया मैंने। अरे मारना मत मजाक था मजाक। अरे मेरे पास इतना कचरा क्यों, क्या कर रहा है यार, एक डस्टबिन बनाना चाहिए। अरे डस्टबिन में कचरा ही रहता है। और उसके बाद घर के अंदर हमने एक सोफा भी बनाया और बाहर थोड़ा इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर दिया, इधर उधर थोड़ा सजाया इधर उधर। फाइनली बरेर भाई का घर भी खत्म हो गया भाई। इसका घर बनाने में थोड़ा टाइम लगा यार, बहुत टाइम लगा, थोड़ा नहीं। और अभी बताओ आप लोग इस घर के लिए 10 में से कितना रेटिंग दोगे, जल्दी जल्दी कमेंट में फटाफट कमेंट करो। और इसका घर अच्छा है या मेरा घर अच्छा है ये भी कमेंट करना। अरे मेरा घर ही अच्छा है ना, मेरा घर ही अच्छा है ना ये कमेंट कर दो। उसके बाद मैं पोशन्स बनाना चालू कर दिया, लेकिन मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। पहले आपको 3 बॉटल लेना पड़ेगा, 3 बॉटल अंदर रखने के बाद आपको लेना पड़ेगा एक नेदर वॉट। नेदर वॉट क्यों पहले डालना है मुझे भी नहीं पता, माइनक्राफ्ट वालों ने डाला और मैं डाल रहा हूँ। और ये चलाने के लिए आपको चाहिए ब्लेस पाउडर, और उसके बाद इसको थोड़ा पकने में टाइम लगेगा। इस समय में अगर आपका कोई दोस्त है तो आप जाके उसको छेड़ सकते हो या मार सकते हो। और उसके बाद हम फाइनली तैयारी कर रहे हैं विदर को मारने के लिए। जो भी सामान हमको चाहिए होते हैं ना विदर को मारने के लिए, विदर स्कल्स पहले स्पॉन करने के लिए विदर स्कल तो चाहिए होता है, वो ले लिया और सारा पोशंस भी ले लिया, और मैं मेरा शक्तिमान को भी ले लिया अगर जरूरत पड़ेगी तो, हाँ फटाफट उधर से निकलने के लिए। उसके बाद मैं नेदर में आ गया और तैयार हूँ अभी मैं तीनों स्कल लगाने के लिए, और मैं लगा दिया।
अरे ऊपर आ गया यार, मैं बताया था, मैंने इसलिए बताया था, जल्दी पोशन लो, पोशन लो भाई। अच्छा हुआ पोशन लाया हम, फटाफट हम पोशन पिया और उसको तीर से मारना चालू कर दिया। तो उसके बाद इसके ऊपर हम इतना तीर मारा ना भाई, इसके तीर मार के इसका हेल्थ आधा कर लिया हम। लेकिन एक चीज मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, ये हमें क्यों नहीं मार रहे यार, ये अंडरमैन को ही मार रहे, हमें नहीं मार रहे जब हम तीर मार रहे थे इसको। तो हमको ही मार रहा था बीच बीच में, लेकिन बहुत कम बार मारा यार हमको, क्योंकि यार जब नहीं मार रहे तो अच्छा है ना, हम इतने क्यों बोल रहे हैं इस पे। जैसे आप लोगों को पता है जब इसका हेल्थ आधा हो जाता है ना, ये नीचे आ जाता है, और ये नीचे आ गया, हम इसको से रख के मारा, और हम चंद्रपोषण भी पिया हुआ है उस समय, और इसका हेल्थ इतना सा बचा है, और हम इस समय मार के फाइनली इसको मार दिया यार। ओ भाई बहुत समय लगा यार इसको मारने में, ये देखो मुझे पसीना भी आ रहा है। एक मिनट, आप लोग मुझे नहीं देख सकते ना, सॉरी, इस रील थोड़ी किया हूं मैं अभी तक। इसको मारने में जो नेदर स्टार मिलते हैं ना, वो मिल गया हमको, और उसको लेकर हम घर आ गया, और घर आके बीकन बना दिया, और बीकन आके हम यहाँ पर लगा दिया, और फाइनली भाई जैसे हमने सोचा 200 डे में बीकन लगाएंगे, वैसे हम 200 डे पे बीकन लगा दिया। मिनट, और एक चीज बताना भूल गया मैं, अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, प्लीज 10,000 लाइक्स का लाइक है मैं, प्लीज कंप्लीट कर दो यार, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय बाय। अरे भाई क्यों मार रहे हो।